कानपुर में आयोजित होने जा रही व्यापारी अधिकार रैली के संदर्भ में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला द्वारा बुद्धि विहार में पत्रकार वार्ता की गई। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अनूप शुक्ला ने बताया कि व्यापारियों की समस्याओं और उनके अधिकार के प्रति जागरूकता लाने हेतु व्यापारी अधिकार रैली का आयोजन 8 अप्रैल को रविवार कानपुर में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों, तहसीलों और कस्बों में व्यापार कर रहे छोटे बड़े सभी ट्रेडों के व्यापारी हिस्सा लेंगे। रैली में लगभग 20,000 व्यापारीगण भाग लेंगे। दो दिन पूर्व से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा है। प्रदेश के सभी जनपदों और सभी ग्रामीण क्षेत्रों से लेके जितने भी व्यापारी हैं उनको सब जोड़ करके व्यापारी अधिकार रैली कानपुर में आयोजित की गई है दिनांक 8 अप्रैल में। उन्हीं चीज़ों को लेकर के, व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा मेरा दौरा है, 7 दिवसीय है। इसी उपलक्ष्य में आज हम मुरादाबाद में है, कल हमारा मुजफ्फरनगर शामली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इन सभी जिलों में कर रहे हैं। व्यापारी अधिकार रैली के आयोजन का उद्देश्य काफी समय से देश और प्रदेश के व्यापारी अपनी मांगों को लेकर और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और उनके संचालन के तरीके से व्यापार बंदी की ओर चल पड़ा है और व्यापारियों में काफी हताशा है। व्यापारी अपना व्यापार GST आदि की व्यवस्था से सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा, इसी को लेकर रैली का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष अनूप शुक्ला के द्वारा पंडित सत्येंद्र शर्मा को प्रदेश संगठन मंत्री की कमान सौंपी गई, जिसके बाद उनका स्वागत फूल मालाएं पहनाकर किया गया। सत्येंद्र शर्मा जी को आज पंडित सत्येंद्र शर्मा जी चूंकि व्यापारी भी हैं और कहीं ना कहीं समाज में मजबूती से काम भी कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको आज व्यापार मंडल प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल का प्रदेश का संगठन मंत्री मनोनीत किया जाता है। उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि व्यापारी अधिकार रैली में व्यापारियों को लेकर के बहुत मजबूती से आप पहुंचेंगे और व्यापारियों का नेतृत्व करेंगे और आपके आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे व्यापार मंडल को एक नई ताकत मिलेगी और हम चाहते हैं कि व्यापारियों को लेकर के दो शब्द आप भी कहें और इनका स्वागत आ चुके हम कर रहे हैं। आपके द्वारा आज मनोनीत किए गए हैं, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। व्यापार सभा से ऑलरेडी व्यापारी हैं, काम कर रहे हैं और ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अनूप शुक्ला जी जो प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और बहुत बड़े नेता हैं व्यापार में, पूरे देश के अंदर मैं तो कह सकता हूँ, पिछली सरकारों में भी राज्य मंत्री रहे हैं, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, अहम जिम्मेदारी है, संगठन मंत्री प्रदेश का बनाया है, बिल्कुल निभाऊंगा पूरी तरह से और प्रदेश का भ्रमण करेंगे, पूरे प्रदेश में काम करेंगे, व्यापारी को एकजुट करेंगे और जितनी भी व्यापारी समस्याएं हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से उठाएंगे और उनमें पूरा सहयोग करेंगे व्यापारियों के साथ कि उनकी समस्याएं दूर हों और सरकार से लड़ाई लड़ेंगे अगर नहीं करेंगे तो। बाकी अध्यक्ष जी का जैसा आदेश होगा, जैसा निर्देश होगा, उस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष के मुरादाबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया तथा सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर स्वप्निल शर्मा, उत्सव शर्मा, जगत सिंह न्याल, विनय कुमार जौहरी, शिखर, स्वप्निल, अनुज, मुकेश अग्रवाल, ऋषि शर्मा आदि मौजूद रहे। क्या उद्देश्य रहेगा इस रैली का? व्यापारी अधिकार रैली का उद्देश्य ये है कि सरकार जो व्यापारियों के हितों में वादे किए थे सरकार ने, उस वादों को लेकर के उदासीन हो गई है। अगर हम बात करें कि GST की बात करें तो GST में जब माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने GST को लॉन्च किया तो वन नेशन वन टैक्स की बात की, मगर उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंडी शुल्क है 2.5% लिया जा रहा है, ये स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मुंह चुला रहा है। एक देश एक टैक्स है तो मंडी शुल्क का क्या काम। दूसरी बात अगर करें तो व्यापारियों को लेकर के ईबे बिल जल्दबाजी में लागू किया गया जिसमें हजारों करोड़ों का लॉस हुआ व्यापारियों का। ईबे बिल तो धड़ाम हो गया मगर इस लॉस की भरपाई कौन करेगा। और बात करें तो इस उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व कई माननीय केंद्रीय मंत्रियों ने ये बात कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार बनते ही व्यापारी आयोग का गठन किया जाएगा। सरकार आज व्यापारी आयोग के गठन की बात भी नहीं कर रही, इतनी सारी कमेटियां पड़ी हैं, किसी में व्यापारियों का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है। GST को लेकर के व्यापारी परेशान है, नोटबंदी को लेकर के व्यापार, सरकारी आंकड़े बताते हैं कि नोटबंदी के बाद जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर था वो 40%
इंडस्ट्री बंद हो गई है, काम कम हो गया है, इसको लेकर के व्यापारियों में एक बड़ा आशय था उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बजट को लेकर के कि ऐसी कोई व्यवस्था सरकार दे कि जो ऐसी मंदी आ गई है, व्यापार डूब चुका है, व्यापार बंद होने के कगार पे हैं, बहुत सी इंडस्ट्री बंद है, उनके लिए सरकार काम करेगी। परंतु इस बजट में भी सरकार से निराशा हाथ लगी। इन्हीं चीज़ों को लेकर के व्यापारियों में कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है व्यापारी की सरकार सो रही है या व्यापारियों को इग्नोर कर रही है।